आपने किसी से प्यार किया और एक एक्सीडेंट की वजह से आप सब कुछ भूल जाओ, या फिर से उनके पास वापस जाने का रास्ता आप ढूंढ पाओगे। इसी एक थीम पर बेस्ड आज की हमारी मूवी टाइम इज अप 2021 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी आती है। सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद क्या हमारे मेन कैरेक्टर एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे, ये जानने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमारे मेन कैरेक्टर हमसे कहते हैं कि हमेशा जब पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे में समा जाते हैं। एक बार वो दोनों मिल गए, उसके बाद अगर वो जुदा भी हो गए फिर भी एक दूसरे को कैरी करते रहते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है विवियन। उसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ और उसी वजह से उसे ये सब चीज़ें याद आ रही थी, क्योंकि वो एक फिजिक्स की स्टूडेंट है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। विवियन अपना बॉयफ्रेंड जिसका नाम है स्टीव, उसकी स्विमिंग प्रैक्टिस देखने के लिए आई हुई थी। यह हमारा और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है रॉय। रॉय आजकल स्विमिंग में अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसके कोच डेविड ने उसे कहा कि तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, तुम्हें अपने गेम में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। इन्हें कॉम्पिटिशन के लिए रोम में जाना था, तो डेविड कहता है कि अगर तुमने ऐसा ही परफॉर्म किया तो तुम्हें मैं लेकर नहीं जाऊँगा। रॉय कहता है कि मुझे इस सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डेविड ने कहा कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए यही चाहते हैं। रॉय गुस्से में टीम छोड़कर वहां से चला जाता है। घर आते वक्त विवियन की फ्रेंड स्टीव से रॉय के बारे में पूछ रही थी। उसे वो अच्छा लगता है पर वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, सिर्फ वो रॉय से मिलना चाहती है। स्टीव ने कहा कि वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। विवियन की फ्रेंड उन दोनों को साथ में देखकर कहती है कि जब से तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाती। फ्रेंड ने कहा कि तुम उतनी ज़्यादा खुश लगती नहीं। विवियन कहती है कि हैप्पीनेस ओवररेटेड है और खुद ही इस पर हंसने लग गई। रॉय के घर पर हम देखते हैं कि उसके फादर और एक छोटी सिस्टर है। जब वो छोटा था तभी मदर की डेथ हो गई थी। फादर ने रॉय से पूछा कि आज तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे गई। रॉय कहता है कि ठीक ठाक थी। फादर कहते हैं कि ठीक ठाक से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अच्छी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। रॉय ने कहा कि मैं कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लूँ आपके लिए इनफ ही नहीं होता। फादर कहते कि तुमने ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्ड्स किए हैं, इसी वजह से तुम्हें आगे जाना चाहिए। पैरेलल में हम देखते हैं आजकल विवियन के फादर घर से ज़रा दूर रह रहे थे। ये सब हमेशा फ़ोन पर अच्छे से बात करते और एक हैप्पी फैमिली थी। विवियन की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आ रही थी और इसके लिए बहुत ही ज़ोरों से स्टडी करती है। उसने कहा कि तो पार्टिकल्स के टकराने के बाद वो दूर भी चले जाए फिर भी एक दूसरे को उनका कनेक्शन महसूस होता है। विवियन ने नोटिस किया कि रात में उसकी मदर बहुत लेट घर पर वापस आई। वो स्टीव को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है पर स्टीव कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। दो दिनों तक उसने उसे इग्नोर कर दिया था पर अगले दिन उसे वो मिलने के लिए आ गया। इस तरीके से इग्नोर होने के बाद विवियन उस पर बहुत गुस्सा थी। वो कहती है कि मैं भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ फिर भी मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल लेती हूँ। वो वरीड थी कि क्या वो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर भी पाएगी। स्टीव उसे सहारा देता है और कहता है कि तुम बहुत ही बेस्ट करोगी। आज रात विवियन ने फिर से अपनी मदर को घर से बाहर जाता देखा। उसका पीछा करती है तो उसने देखा कि उसकी मदर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। रेस्टोरेंट के बाहर उसी के स्कूल के कुछ लड़के थे जो उससे छेड़ने लग जाते हैं। उन्होंने उसका पर्स भी ले लिया। यह सब रॉय देख लेता है। उनमें से एक उसका फ्रेंड ही था तो पर्स वो वापस ले लेता है। उसने विवियन से कहा कि तुम्हारी जैसी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। विवियन कहती कि क्या तुम मुझे जानते हो। रॉय ने कहा कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानता हूँ, तुम्हें इस तरीके से जगह पर देखना उसे अच्छा नहीं लगेगा। विवियन कहती कि प्लीज़ उसे मत बताना। नेक्स्ट डे वो टेस्ट के लिए गई। अपनी मदर के बारे में वो सोच रही थी तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड के पास आकर उसने ड्रिंक किया और आज रात वो एक पार्टी के लिए जाते हैं। रात में रॉय अपनी सिस्टर को स्टोरी सुना रहा था। सिस्टर ने पूछा क्या तुम मदर को मिस करते हो। रॉय ने कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी उसे मिस करता हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद रॉय पूरी कंट्री घूमने के लिए जाने वाला था तो सिस्टर ने कहा कि क्या तुम मुझे भी लेकर जाओगे। रॉय ने कहा कि हर एक को अपने खुद के एक्सपीरियंस लेने चाहिए पर वो उसके लिए जिस भी जगह पर जाएगा वहाँ से गिफ्ट लाने वाला है। वो एक बहुत ही अच्छा ब्रदर था। रॉय स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हर रात स्कूल में घुस आता है। उसने आज नोटिस किया कि स्टीव और डेविड इन दोनों में अफेयर चल रहा है। डेविड के जाने के बाद स्टीव ने रॉय को देखा। उसे पूछता है कि तुमने क्या देखा। रॉय ने कहा कि मैं बहुत टाइम से यहाँ पर हूँ। स्टीव कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। रॉय ने कहा कि हर रात मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आता हूँ। स्टीव ने कहा कि इस तरीके से रात में आना इलीगल है, मैंने अगर डेविड को बता दिया तो हमेशा के लिए तुम्हारी स्कॉलरशिप चली जाएगी, हम दोनों के बारे में कभी भी किसी को भी मत बताना। वो उसे इंसल्ट कर निकाल देता है। रॉय फिर पार्टी में पहुंच गया। पार्टी में विवियन के साथ वो डांस करने लगता है। अचानक से उसकी फ्रेंड की किसी से फाइट हो गई। रॉय ने अपने फ्रेंड को बचा लिया। यहाँ पुलिस आ जाते उससे पहले वो निकल जाता है। विवियन भी उसके पीछे पीछे गई। विवियन ने कहा कि तुम ऐसे फ्रेंड के साथ क्यों रहते हो। रॉय ने कहा कि हम बचपन के फ्रेंड्स हैं, इस तरीके से वो फ्रेंडशिप नहीं तोड़ सकता। रॉय ने पूछा कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो।
यूएन ने कहा कि वो एक सीक्रेट है, अगर तुम अपना सीक्रेट मुझे बताओगे तो मैं भी अपना सीक्रेट तुम्हें बता दूंगी। कहती कि मेरी एक टेस्ट थी पर मैं आज गई नहीं। रॉय कहता है कि हर रात मैं प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल में जाता हूँ। विवेन ने नोटिस किया कि रॉय के मुंह से खून आ रहा था, वो उसके लिए आइस लेने के लिए गई पर जब वो वापस आए तो रॉय वहाँ पर नहीं था। रात में वो ड्रीम करती है कि उसके साथ इंटीमेट हो रही है। अगले दिन रॉय अपने कोच से मिलने के लिए आया, उनसे कहता है कि मैं डर गया था, मुझे लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, इसी वजह से मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। कोच ने कहा कि मेरा टाइम मेजर करो, उसे एक लीप लगा कर दिखाते हैं और एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड टाइम था। उन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं, इसी वजह से मेरे अच्छे रिजल्ट आते हैं, अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम भी अच्छे से परफॉर्म कर सकोगी। रॉय ने कहा कि अब मुझे फिर से टीम में आना है। कोच ने कहा कि स्टीव से अच्छा तुम रिकॉर्ड बनो, उसके बाद तुम टीम में आ सकते हो। इनकी प्रैक्टिस देखने के लिए विवियन और उसकी फ्रेंड भी आई हुई थी। रॉय सब कुछ डर छोड़कर स्विमिंग करता है और वो फर्स्ट आ गया। अब वो फिर से टीम में था। कल रात रॉय की वजह से विवियन ने पार्टी छोड़ दी थी और वहाँ पर स्टीव से मिलने वाला था तो उस पर वो गुस्सा हो जाता है। विवियन ने कहा कि पहले तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, इसके बाद मुझ पर ही गुस्सा हो रहे हो। स्टीव कहता है कि आजकल तुम्हारा अटेंशन कहीं और ही है। विवियन ने कहा कि कल मेरा एग्जाम था, तुमने इसके बारे में भी मुझे नहीं पूछा। तुम्हें हमारी रिलेशनशिप के लिए फाइट करना पड़ेगा वरना ये सब वर्थ इट नहीं है। अपना प्रैक्टिस का नाम लेकर स्टीव वहाँ से चला गया। विवियन घर आई तो उसके फादर भी आए हुए थे, उसे टेस्ट के बारे में पूछते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी टेस्ट अच्छी भी नहीं की पर फिर भी कोई भी प्रेशर नहीं है। मदर ने कहा कि ऐसा थोड़ी है, विवियन को अपनी टेस्ट सीरियसली लेनी चाहिए। विवियन अपनी मदर पर गुस्सा हो गई और कहती कि तुम्हारे अफेयर की वजह से मैं मेरे टेस्ट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। फादर इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। विवियन ने कहा क्या आपको यह सब पता था। फादर ने कहा कि हम दोनों ने एक साल से ब्रेक लिया है, तुम नेक्स्ट ईयर कॉलेज चली जाती और उसके बाद हम डिवोर्स लेने वाले थे। इस बात से विवियन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसे स्टीव की जरूरत थी पर वो अपनी कॉम्पिटिशन के लिए रोम चला गया। विवियन भी उसे सरप्राइज करने का डिसाइड कर दिया और वो भी उसके पीछे पीछे रोम आ गए। स्टीव के होटल में आने के बाद वो मैनेजर से कहती है कि मैंने अपनी कीज लॉस्ट कर दी है। विवियन के साथ उसका सामान था तो मैनेजर समझ गया कि झूठ कह रही है। विवियन फिर उसे सच सच बता देती है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैनेजर ने कहा कि मैं तुम्हें रूम तक छोड़ दूंगा, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पहचान लेता है तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद उसे रॉय दिखा तो प्रिटेंड करती है कि रॉय ही उसका बॉयफ्रेंड है। मैनेजर के जाने के बाद रॉय ने पूछा कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। विवियन ने कहा कि मैं स्टीव को सरप्राइज देना चाहती हूँ। रॉय ने उसे स्टीव का रूम बता दिया। थोड़े टाइम तक उसने स्टीव का वेट किया और रॉय उसके रूम के बाहर ही खड़ा था। उसने पूछा कि स्टीव कहाँ है। रॉय ने कहा कि वो मॉर्निंग से प्रैक्टिस में गया है, शायद उसे आने में लेट होगा, तुम मेरे साथ सिटी देखने के लिए आ सकती हो। रॉय पहले इस सिटी में रह चुका है तो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस पता है। विवियन कहती है कि अगर तुम फिर से गायब होगे तो क्या होगा। रॉय कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये दोनों घूमने के लिए निकले और रॉय अलग अलग चीज़ों की फोटोज ले रहा था पर विवियन को एक भी फोटो नहीं लेता। विवियन कहती कि ऐसा क्यों। रॉय ने कहा कि मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ों की फोटो लेना बहुत अच्छा लगता है। विवियन पूछती कि क्या मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। रॉय उसका बहुत मजाक लेता है। वो जब एक फोटो निकाल रहा था तो विवियन ज़बरदस्ती उसके कैमरे के सामने आके एक दूसरे के साथ ये टाइम बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। रॉय ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ ऊपर आओ। विवियन कहती कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूँ। रॉय कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। उसने कहा कि एक लड़का एक लड़के से बहुत प्यार करता था, एक दिन अचानक से उस लड़की की डेथ हो गई। उस लड़के ने फिर डार्क पावर से उस लड़की को फिर से जिंदा कर दिया पर इसके बाद वो फिर से कभी उसे देख नहीं सकता था। वो लड़की हमेशा उसके पीछे चलती रही पर उसे पता ही नहीं था। इसके बाद उसे एक हाईएस्ट प्लेस पर लेकर आया जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा म्यूजिक चल रहा था, यहाँ से वो पूरी सिटी देख सकते थे। विवियन ने कहा कि तुमने मुझे स्टोरी का एंड बताया नहीं। रॉय ने कहा कि उस लड़की ने उसे आवाज़ दी, लड़के ने पीछे देखा तो गायब हो गई। प्यार भी इसी तरीके से होता है, वो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रह सकता। विवियन कहती कि क्या तुम प्यार पर बिलीव नहीं करते। रॉय ने कहा कि मैं बिलीव करता हूँ पर मैं इसे पाना नहीं चाहता। इसके बाद वो किसी दूसरे होटल के बार में आते हैं। वहाँ की बारटेंडर उनसे पूछती है कि तुम्हारा रूम कौन सा है पर रॉय ने झूठ कह दिया। विवियन ने पूछा कि क्या तुम कल की कॉम्पिटिशन के लिए नर्वस हो। रॉय ने कहा कि वैसे भी मैं जीतने नहीं वाला तो इसके लिए वो नर्वस नहीं है। वैसे भी अब उसे उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है, वो जब छोटा था तो उसकी मदर ने उसे स्विमिंग करना सिखाया हुआ था। विवियन कहती कि अब तुम्हारी मदर का है। रॉय ने कहा कि उनकी डेथ हो गई थी, वो जब छोटा था तो मदर स्विमिंग करने के लिए गई, फादर कहीं और गए थे, अचानक से सी में कुछ प्रॉब्लम हुआ उसकी मदर स्विम कर नहीं पाई। रॉय ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी पर फिर भी वो कर नहीं पाया। आज तक अपनी मदर की डेथ के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है, इसी वजह से हर एक चीज़ को लेकर वो फेल होगा यही उसे लगता रहता है। होटल वालों को पता चल गया कि इल्लीगली यहाँ पर आया तो उनके पीछा वो करते हैं, जल्दी से वो वहाँ से भाग गए।
स्विम करते करते वो करीब आ गए और एक दूसरे को किस कर लिया। विवियन रियलाइज करती है कि ये गलत है और इसके बाद वो फिर से होटल में आ गए। वो स्टीव के रूम में आए तो कोच के साथ सो रहा था। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये सब रॉय ने देखा और उसका वो पीछा करता है। विवियन ने कहा कि क्या तुम्हें इस सब के बारे में पता था, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तुम्हें लग क्या रहा था? रॉय ने कहा कि तुम्हें भी मेरी जरूरत थी। गुस्से में विवियन कहती है, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे लड़के से प्यार नहीं कर सकती, तुम तो अपने खुद के ड्रीम्स के लिए भी फाइट नहीं करते। ये सुनकर रॉय को बहुत गुस्सा आया। विवियन उसे स्टॉप करने के लिए रस्ते से गुजर रही थी तभी एक गाड़ी से टकरा कर उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद विवियन को फिर से घर लाया जाता है। वो अनकॉन्शियस है पर अब उसकी हालत ठीक है। विवियन के फ्रेंड ने स्टीव से पूछा कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तुम उसके साथ क्यों नहीं थे, रॉय उसके साथ कर क्या रहा था? स्टीव ने कहा कि हमने एक साथ डिनर किया, उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में मुझे पता नहीं है। डॉक्टर विवियन के पेरेंट्स को बताते हैं कि वो अब भी यंग है, वो इस सब से फाइट कर सकती है, कुछ ही दिनों में उसका होश वापस आ जाना चाहिए, पर वो कब होश में आएगी इसकी गारंटी वो नहीं दे सकते। उन दोनों को एक दूसरे के सहारे की बहुत जरूरत पड़ी। रॉय स्विमिंग छोड़कर अपने फादर को हेल्प करने लग जाता है, पर ये सब काम करने में उतना ज्यादा माहिर नहीं था। फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से स्विमिंग छोड़नी नहीं चाहिए। रॉय ने कहा कि वैसे भी मेरी टीम को मेरी कोई भी जरूरत नहीं थी, जहां पर वो रिप्लेस हो सकता है ऐसी चीज के लिए मेहनत नहीं करना चाहता। फादर ने पूछा कि अब विवियन कैसी है। रॉय कहता है कि अब भी वो अनकॉन्शियस है। फादर कहते हैं कि बाकी काम मैं कर लूंगा, जाकर तुम उसे मिलकर आओ। रॉय हमेशा उसे रात में मिलने के लिए आता था तो नर्स ने पूछा कि क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। रॉय इसके लिए मना करता है तो नर्स उसे मिलने के लिए सिर्फ 5 मिनट देती है। रूम में उस ऊंची जगह पर विवियन और रॉय जो सॉन्ग सुन रहे थे उसी सॉन्ग को प्ले करता है। ये प्ले कर वो चला गया। ये सुनते सुनते ही विवियन को होश आ गया। डॉक्टर उसे पूछते कि क्या तुम कुछ याद कर पा रही हो। विवियन ने कहा कि एक्सीडेंट के 1-2 दिन पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसका मतलब है उसकी और रॉय की रिलेशनशिप के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे लगता था कि स्टीव अब भी उसका ही बॉयफ्रेंड है। विवियन के पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लगता है। विवियन जब उस हालत में थी तो वो भी एक दूसरे के करीब आ गए थे। घर पर आने के बाद विवियन ने रॉय ने उसका जो फोटो लिया था ये अपने पॉकेट में देखती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। फ्रेंड ने पूछा कि तुम्हें क्या महसूस हुआ था। विवियन ने कहा कि मुझे लगा था कि जैसे हमेशा कोई मेरे पास है। स्टीव से मिलने के लिए आता है तो विवियन ने पूछा कि क्या तुमने मेरे कुछ फोटोज लिए थे। रॉय ने लिया हुआ अपना फोटो उसे दिखा दिया, पर स्टीव कहता है कि मैंने ही ये फोटो लिया था। विवियन ने कहा कि दूसरे फोटोज का है। स्टीव ने कहा कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मैं जल्दी से पैक कर रहा था और उसमें तुम्हारे फोटो होटल में ही रह गए। विवियन के फ्रेंड को इस बात पर बिलीव नहीं होता। वो डायरेक्टली रॉय से मिलने के लिए आए। उसे पूछा कि क्या वो फोटोज तुमने लिए थे। रॉय ने कहा कि मैंने ही लिए थे। वो पूछती कि क्या तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था। रॉय कहता है कि वो सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रेंड ने कहा कि स्टीव झूठ कह रहा है, उसने कहा कि उसने ही सब फोटोज लिए थे, तुम्हें जाकर विवियन को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। रॉय को लगता है कि विवियन अगर उसे दूर रहे तो यही ठीक होगा। रॉय का चेहरा देखकर फादर पूछते कि क्या हुआ। रॉय ने कहा कि विवियन को होश आ गया। फादर कहते कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। रॉय कहता है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो हर्ट हो जाता है। फादर ने कहा कि तुम्हारे मदर को मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, तुम वैसे भी कुछ कर नहीं सकते थे। तुम्हारी मदर के गुजर जाने के बाद मैं तुम लोगों से जरा दूर हो गया, इस सब में मेरी गलती थी, इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। फादर ने कहा कि जाओ और विवियन से बात करो। उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल कार भी बनवाई थी जो उसे गिफ्ट दे देते हैं। विवियन अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर गई थी तो रॉय अपने फ्रेंड को लेकर उसके घर में घुस जाता है। उसके लिए उसने एक सरप्राइज प्लान किया। अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर विवियन को याद आ जाता है कि इन दोनों में डिवोर्स होने वाला था। वो कहती कि तुम लोगों को मेरे सामने प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पेरेंट्स कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जब हॉस्पिटल में थी तो हम दोनों फिर से करीब आ गए, हमें रियलाइज हुआ कि हम दोनों को एक दूसरे की अब भी जरूरत है। विवियन जब घर पर आए तो रॉय ने जो भी सब फोटोज लिए थे ये सब कुछ उसके बेडरूम में लगा दिए थे। पहले तो विवियन को लगा कि स्टीव ने ही लगाए, पर बाद में उसे रॉय की याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोच टीम छोड़कर जा रहे थे। स्टीव ने कहा कि तुम ये सब कर क्यों रहे। कोच ने कहा कि तुम्हें इस तरीके से किसी और के साथ में नहीं देख सकता। वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। विवियन स्टीव को बुला लेती है। उसने पूछा कि क्या एक्सीडेंट के दिन हम दोनों एक साथ थे। स्टीव हाँ कहता है। विवियन कहते कि तुमने तो मुझसे कहा था कि सारे फोटो डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये सब क्या है। स्टीव कहता है कि हम दोनों एक साथ ही थे। स्टीव उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। विवियन ने पूछा कि उस रात मैंने पहना क्या था, पर स्टीव को ये बात पता नहीं थी। उसे सब कुछ बताने के लिए मजबूर करती है। स्टीव ने अपने अफेयर के बारे में बताया और सब कुछ वो सच सच बता देता है। विवियन ने सारे फोटोज फिर से देखे। इसमें एक फोटो के पीछे रॉय ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। रॉय कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विवियन ने कहा कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। मैं जब होश में आई थी तो मेरे पास तुम ही थे।
रॉय कहता है कि मैं मेरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा था। जब से एक्सीडेंट हुआ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। विवेन ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद बहुत बुरी चीजें हुई। रॉय कहता है कि हमें इस रिलेशनशिप को और एक चांस देना चाहिए। वो फिर किस करते हैं, उसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। रॉय अब यहाँ से निकलकर पूरी कंट्री घूमने वाला था, तो विवियन भी उसके साथ जाने का डिसाइड कर लेती है और अब ये दोनों एक साथ थे। विवियन हमसे कहती है कि प्यार में कितनी भी मुश्किल आए, दो लोग फिर से एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम वैसे मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।